बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर का महीना बुर्ज सौर टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं अक्टूबर के पहले हफ्ता बुर्ज सौर वालों के लिए कैसा रहेगा। तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में कोई काम शुरू करने से पहले सोच विचार के बाद कदम आगे बढ़ाएँ, नुकसान का अंदेशा मौजूद है। दूसरों की मदद कर सकेंगे, मसाइल हल करते हुए दिखाई देते हैं। सेहत का खास ख्याल रखें, के पहले हफ्ते सेहत बिगड़ सकती है, सैर तफरी के प्रोग्राम बन सकेंगे। कामों में आ रही रुकावटें अक्टूबर के पहले हफ्ते में ख़त्म होंगी। अब बात करते हैं अक्टूबर का दूसरा हफ्ता बुर्ज सौर वालों के लिए कैसा रहेगा। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में कोई काम शुरू करना अच्छा दिखाई देता है और ख़र्चा बढ़ेगा। खर्चे पर काबू रखें, लोगों से बात करते वक्त अल्फाज का चुनाव ध्यान से करें, लड़ाई झगड़े का अंदेशा मौजूद है। रुके हुए काम आप अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में पूरे होंगे और मोहब्बत के हवाले से भी काफ़ी अच्छा वक्त रहेगा। अगर आप बिरौने मुल्क सफ़र करने चाहते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा वक्त रहेगा। अब बात करते हैं अक्टूबर का तीसरा हफ्ता बुर्ज सौर वालों के लिए कैसा रहेगा। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में सफ़र के इम्कान रोशन है। नौकरी पेशा अफराद काम को ध्यान से करें, गफलत कोताही ना करें। नौकरी छूटने का खर्चा मौजूद है और माशरे में इज्जत बढ़ती हुई दिखाई देती है, मुश्किलात का खात्मा होगा। अजवाजी ज़िंदगी अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में पुरसकून रहेगी, किसी तकरीब में अचानक शिरकत मतवक्का है। अब बात करते हैं अक्टूबर का चौथा हफ्ता बुर्ज सौर वाले अफराद के लिए कैसा रहेगा। तो अक्टूबर के चौथे हफ्ते में कोई अच्छी खबर सुन सकेंगे, शादी में आ रही रुकावटें ख़त्म होंगी, हालात अच्छे दिखाई देते हैं, अचानक घर में मेहमान आ सकते हैं, मुस्तकबिल के प्लान बना सकेंगे और इस पर अमल करेंगे, कहीं से अचानक दौलत आपके हाथ लग सकती है। सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है, सेहत का ख़ास ख्याल रखें। दोस्तों के साथ भी सैर तफरी के प्रोग्राम बना सकेंगे। तो नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच रहे।